यमुनानगर जिला के लघु सचिवालय में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने पंचायत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। देवेंद्र बबली ने कहा कि यमुनानगर में खास तौर पर पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचा हूं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार ने अब तक पंचायत को करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। उनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हर गांव का चहुमुखी विकास हुआ है। हर गांव में आज जो पंचायत बनी हुई है वे गांव का डेवलपमेंट का कार्य तेजी से कर रही है। पहले जो सरकार होती थी ये केवल लोगों को खुश करने के लिए गांव की चौपाल, नालियां, गलियां बनाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करती थी ताकि लोग उनसे खुश रहें। लेकिन जब से भाजपा और जजपा की गठबंधन की सरकार बनी है तब से हर गांव में पंचायत के लिए खास तौर पर भावनाओं का निर्माण किया गया है। पंचायत अधिकारियों को खास तौर पर सरपंचों के माध्यम से विकास कार्य के लिए बजट जारी किया गया है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से हर गांव को 1-1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया ताकि हर सरपंच अपने गांव का विकास करवा सके। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौली की रिपोर्ट। पैसे की जवाबदेही करती, भाई पैसा अगर डेवलपमेंट के लिए गया है वो पैसे की जवाबदेही हमारे चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे हमारी छोटी सरकार, हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारी समितियां हैं, चाहे हमारे जिला परिषद हैं, चाहे हमारा विधायक है और चाहे हमारी सरकार में मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री जी, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ लगे और उसका लाभ लोगों को मिले। इसलिए मेरा ये मानना है जो गांव का विकास चाहता है उसमें ना ही तो कोई नागरिक उससे असंतुष्ट है और ना ही कोई हमारी पंचायत, हमारे सरपंच असंतुष्ट है। कुछ लोग जिनके आप जो सवाल आपका है, कुछ लोग उसमें उस पैसे को डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़ाते हुए, मैं तो ये कह सकता हूँ उनके इंटरेस्ट क्या है वो तो कभी सवाल उन्हीं से कीजिए। बहुत से हमने अभी चिन्हित करने शुरू किए हैं जो ये पैसा गया था, अगर इंटेंसली जिन पंचायतों ने गांव का डेवलपमेंट रोकने का कार्य किया है, पंचायती राज एक्ट में कानून में प्रावधान है, कार्रवाई बढ़ती है। चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी हो, चुने आदमी, किसी का भी अधिकार नहीं है कि हम हमारे प्रदेश या मेरे गाँव, किसी भी प्रदेश, किसी गाँव के कोई डेवलपमेंट रोकने का कार्य करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम जनता में जवाब बीच में जाएंगे। जो कार्य ये बदलाव व्यवस्था परिवर्तन ने किया है, पैसे की जवाबदेही आम जनता गाढ़े खून पसीने के कमाई का जो पैसा है वो अब डेवलपमेंट पे लग रहा है, वो किसी की जेबों में नहीं जा रहा है, वो हमने रोकने का काम किया है और उसके रिजल्ट आपको धरातल पर आने नजर हो गए। जो ई टेंडरिंग प्रणाली से कार्य शुरू हुए हैं, जो कार्यों को हमने बांटने का काम किया है, जिला परिषद को हमने स्ट्रेंथनिंग देने का काम किया, ब्लॉक समिति को हमने ताकत देने का काम किया है, पंचायतों को ताकत देने का काम किया। और जो फंड लेने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ये चंडीगढ़ मंत्रियों की कोठियां ढूंढते थे, आज वो पैसा डायरेक्टली इनके अकाउंट में जाता है। आज 1100 करोड़ देने के बाद इस 2022-23 के अब 23-24 का जो फंड है जब वो रिलीज हो जाएगा तो हमारी पीआरआई का जो फंड है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, करीबन वो पैसा मैं कह सकता हूँ कि 3.5-4 हज़ार करोड़ के बीच में इस दोनों अगर फाइनेंस रकम मिला के दें तो गाँव की पंचायतों में जो उनका शेयर है, जैसे 75% पंचायतें, 15% हमारी ब्लॉक समिति और 10% जिला परिषद, जो 1-1 करोड़ रुपया जिला परिषद जाता था, कईयों करोड़ रुपया जिला परिषदों के अंदर हमने देने का काम किया है, ब्लॉक समितियों को बजट देने का काम किया, पंचायतों को खुला बजट हमने देने का काम किया। सिर्फ आज ये रिवाइज मीटिंग इसी बात की थी कि जो भ्रमित हुए कुछ लोग हैं या भ्रमित किए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं इंटेंसली कुछ एक कहूँगा कि जो छोटे लेवल पर अधिकारी जो हमारे पास शिकायत थी, चाहे हमारे उसमें कोई कर्मचारी के रूप में इंजीनियरिंग में जय या हमारे ग्राम सचिव या ब्लॉक लेवल पर हमारा FDO या BDO लेवल पर, जिला पर हमारा CO या हमारा एक्सियन, कहीं भी अगर कोई कोताही किसी ने की है उसका ही आज ये मीटिंग थी, तो उस पर फिर सरकार बख्शने की बोर्ड में कुछ अधिकारी सामने आए एक कदम उठने कर लेंगे। गाँव के विकास के लिए कोई नई योजना तैयार की और रूटीन में चलता है, लेकिन कुछ आपकी गवर्नमेंट ने तो सोचा होगा अलग तरीके से कुछ किया। बहुत अलग, कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि गांव के अंदर ये विकास हो सकता है, वो सोच लेकर हमने काम शुरू किया। सिर्फ वोट मैनेजमेंट का पैसा मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इससे पहले जो सरकारें रही, मैं बिल्कुल उनको कभी भी डिबेट में बिठा लीजिएगा आप जो उस टाइम में रहे हों, सिर्फ और पैसा गली नाली और चौपालों के लिए
एक किस्म से कहूँगा बोट मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जाता था, उनको खुश करने के लिए पैसा दिया जाता था। एक व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से कह सकता हूँ कि काम का, मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कोई हमारी बाबा भीमराव अम्बेडकर के कोई चौपाल बननी है, भवन बनना है, उसके लिए 5 लाख 7 लाख दे दिया, कोई उसका एस्टिमेट नहीं होता था, बिल्डिंग आती अधूरी पड़ी रहती थी, बिल्डिंग बन गई, दरवाजे नहीं है, दरवाजे हैं तो उस पर फ्लोर नहीं लगे, फ्लोर तो बिजली की फिटिंग नहीं है, आधी अधूरी बिल्डिंगें होती थी, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था। सरकार ने बड़े बदलाव किए, व्यवस्था परिवर्तन, टेंडर प्रोसेस। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।